से होता है बड़ी। अब ठीक है, आवाज आ रही ठीक? आपस में बात कर ले। टेस्टिंग आ रही आवाज? यहाँ तो टक टक तो आ रहा है। क्या बात है, आवाज नहीं आ रही है? चेक करेंगे। क्या हो गया यहाँ तो? ये तो आवाज कर रहा है। Can you hear me? Humming तो नहीं है, अभी भी है। Sure, चले। दोस्तों, मैं आज एक बड़ी विशेष विडंबना के विषय में बात करने आया हूं। त्रिकोणी विडंबना है। विडंबना का मैं संक्षेप में विवरण कर दूं। ये त्रिकोणी विडंबना क्या है? एक तरफ आप जानते हैं कि बेरोजगारी का क्या हालत है, उसके आंकड़ों से आप अच्छी तरह से सुपरिचित हैं। मैं कुछ दोहराऊंगा, उनको बताऊंगा। और ये बेरोजगार की सिर्फ बात कर रहा हूं मैं, टिप्पणी, लेकिन जो व्यापक आर्थिक दुर्दशा है उसके संदर्भ में ये और भी खतरनाक हो जाती है। दूसरा, बेरोजगार और आर्थिक दुर्दशा एक तरफ, दूसरा जो जुमलेबाजी आप सुनते हैं दिन प्रतिदिन, मेक इन इंडिया, यानी औद्योगिक उत्पादन। हमने एक जुमले से हल कर दिया, जबरदस्त औद्योगिक उत्पादन होगा। ये उस विडंबना का दूसरा अंग है। और तीसरा है कि आप उस मेक इन इंडिया को किस आधार पे प्रमाणित कर रहे हैं, बेरोजगार क्या कर रहे हैं, आप मेक इन इंडिया कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, और उसका आपने हल क्या निकाला है। अब ये आपको पूरी तरह समझ नहीं आया होगा, मैं जरा आपको स्पष्ट रूप से बता दूं क्या है ये त्रिकोण विडंबना। पहली बात, आम बेरोजगार की जब बात करते हैं तो आप जानते हैं, और कई बार हमने इसी पोडियम से आपको आंकड़े दिए हैं कि आर्थिक और बेरोजगार के विषय में कोई भी आंकड़ा ले आप, वो बहुत ही दयनीय है। बेरोजगार का स्पष्ट रूप से सिर्फ इस सरकार के 3 वर्षों में, 3.5 वर्षों में, 16-17 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट, बेरोजगारी की दर 9.65 थी, 9.65, वो ही अपने आप में बहुत बुरी हो। और उसके बाद ये हमेशा कुछ कम हुई बीच में, लेकिन पिछले वर्ष और इस वर्ष वापस 7.25 पे पहुंच गई है। यानी 3 वर्ष पहले 9.5, अब 7.3 है। लेकिन आज जिस त्रिकोण की मैं बात कर रहा हूं उसका मुख्य बिंदु है कि एक बहुत ही दुखद लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट आई है एनसीआरबी द्वारा। एनसीआरबी कई चीजें देखती है, विशेष रूप से बेरोजगार और बेरोजगार से संबंधित आंकड़े देखती है। उन्होंने जो ये बहुत ही दुखद हमें समाचार दिया है कि इस देश में औसतन 36 लोग प्रतिदिन बेरोजगारी के कारण आत्महत्या करते हैं। यानी 36 लोग, और 2018 का आंकड़ा उन्होंने प्रकाशित किया है जिसके अंतर्गत लगभग 26,000 लोगों ने आत्महत्या किए इसी कारण से, जो स्वयं स्वरोजगार हैं या बेरोजगार हैं, उनके विषय में यह प्रकाशित हुआ है आंकड़ा। अब इस देश की आर्थिक स्थिति की क्या दुर्दशा होगी जहां 9.5 और 7.25 बेरोजगारी की दर है, इतने सारे लोग अपनी आत्महत्या कर रहे हैं। और तीसरा आंकड़ा कि जो कृषक हमारे देश में कई वर्षों से आर्थिक दुर्दशा का प्रकोप संभाल रहे हैं, उनसे दुगने से ज्यादा 10,340 की मात्रा में ये बेरोजगार अपनी आत्महत्या कर रहे हैं। यानी जो आंकड़ा कृषकों के लिए है उससे 10,340 से ज्यादा फिगर है बेरोजगारी द्वारा, इस पे कृषक नहीं आते। आत्महत्या की जो आंकड़े दिए गए एनसीआरबी द्वारा उनमें वृद्धि हुई है, लेकिन मेरा संदर्भ आज आर्थिक दुर्दशा के कारण जो आत्महत्याएं हो रही हैं उससे लेकर है, और इनको आपको समाना पड़ेगा। जो ज्यादा व्यापक संदर्भ है आर्थिक दशा का, और मेरे मित्र चिदम्बरम जी ने अभी कुछ दिन पहले आपके सामने आंकड़े रखे, मैं दोहराना चाहता हूं क्योंकि वो इस आंकड़े से, आत्महत्या के आंकड़े से सीधा सरोकार रखते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो 6.5% थी, इंडेक्स आईआईपी इंडेक्स कहते हैं उसको, 4.6 थी, वो 16 से लेके अब 2019 में 2.4 हो गई है। बीच के आंकड़े हैं मेरे पास, 6.5 से 4.25 हुई, 4 हुई, 2.4 पे चल रही है। एमएसएमई को जो क्रेडिट दिया जाता है वो देश का बहुत महत्वपूर्ण एक तौर तरीका है जानने का कि किस प्रकार से आर्थिक स्थिति को स्पंदन मिल रहा है, प्रोत्साहन मिल रहा है। वो यद्यपि पहले से कुछ सुधार हुआ है लेकिन 2.3 और 2.7 के आसपास है। दयनीय, सबसे न्यूनतम जिसको कह सकते हैं आप। औद्योगिक प्रोडक्शन जिसको आप मेक इन इंडिया जैसे जुमलों के साथ संवारते हैं, वो 3 बार 2016 से 20 तक 3 बार नेगेटिव रहा है। नेगेटिव -1.2, 1.4 और 0.7, सिर्फ 17-18 में एक दैनीय पॉजिटिव फिगर था 1.7 इत्यादि इत्यादि। लेकिन इनको आप अगर सीधा जोड़े आत्महत्याओं के प्रकाशित फिगर से, तो क्या है इस देश में इतने बड़े बड़े भाषण देना, इतने विदेश यात्राएं करना, इतने जुमले कसना, इतने बड़े बड़े महत्वपूर्ण शब्दों का प्रयोग करना, और आप इसको नहीं रोक सकते? ये मैं सीधा प्रश्न माननीय प्रधानमंत्री से करता हूं। दूसरा पहलू है इसका कि, और वो भी सब संबंधित है, जैसा मैंने कहा एक त्रिकोण है जिसके संबंधित पहलू हैं। जो कई सारे जुमले कसे गए मेक इन इंडिया के, औद्योगिक प्रोडक्शन के, उनमें एक महत्वपूर्ण एक अंग था सोलर पावर प्लांट। सोलर पावर इस सरकार माननीय प्रधानमंत्री का एक बहुत आकर्षक एक महत्वपूर्ण सेगमेंट है, वर्ग है। उसकी सच्चाई क्या है? सच्चाई और भी दयनीय है, और वो भी सीधा संबंध रखती है कि क्यों आत्महत्याएं हो रही हैं। फोटोवोल्टेइक सेल, इसको पीवी सेल कहते हैं सोलर में, जो सोलर का हृदय है, आपके अंगों में वो सबसे महत्वपूर्ण अंग है, और मॉड्यूल जो होता है पीवी सेल का, उसका 85% सामान, 85% सामान चीन, मलेशिया और वियतनाम से आता है। ये सच्चाई आपको बता रहा हूं मैं मेक इन इंडिया की। आप मेक इन इंडिया क्या करते हैं? एक ऊपर का ढांचा बना देते होंगे शायद, अंदर का हृदय, अंदर के अंग 85% चीन, मलेशिया और वियतनाम से आते हैं। इनके जो आंकड़े हैं वो भयानक हैं। 2014 के बाद पीवी सेल और मॉड्यूल का आयात का मूल्य 90,000 करोड़ तक बढ़ गया है। 90,000 करोड़ इज द इंपोर्ट बिल। ये फिगर 90,000 करोड़ जो डायरेक्ट एफडीआई होता है हमारे देश में, उससे ज्यादा है। कई और सेक्टर्स का आयात का जो राशि है, लिमिट है, सीमा है, उससे कहीं ज्यादा है। और अगर आप 14 से 19 रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र के लिए जो बजट राशि है उसको पूरा जोड़ लें 5 वर्षों के लिए, ये रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर आता है सोलर, तो उससे 6 गुना ज्यादा है ये 90,000 करोड़। क्या है ये आयात बिल है। आयात किसका है? 85% चीन का सामान है, मलेशिया का सामान है, वियतनाम का सामान है, जिसको आप मेक इन इंडिया सोलर, हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, उसके नाम से लेते हैं। और दोस्तों इन तीनों चीजों का हल ये सरकार क्या निकाल रही है उसका मैं आपको संकेत देना चाहता हूं। अब हमारे पास इसके ऊपर प्रमाणित तथ्य नहीं है, लेकिन हम डरे हैं इस सरकार के पुराने इतिहास से। जब ऐसे तकलीफ वाले आंकड़े आते हैं तो ये सरकार अलग अलग तौर तरीकों से लुके छिपे नए नए षड्यंत्र रचती है। आज एक प्रकाशित हुई आजकल में एक रिपोर्ट कि सरकार कह रही है कि कई सारे हमारे जो आंकड़े हैं उनको हम रिवाइज करेंगे, वापस देखेंगे, पुनः देखेंगे। और आपको कारण बताया जा रहा है इसलिए क्योंकि वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के आंकड़ों को नहीं शामिल करते हैं। ये रिपोर्ट परसों भी आई है, आज भी आई है इत्यादि। यानी हमारे जो आंकड़े हैं, सरकार कह रही, मैं नहीं कह रहा हूँ, वो पूरी तरह से सही नहीं हो, पूरी तरह से व्यापक नहीं हो, सबको शामिल न करें, इसलिए हम उस पर पुनः विचार करेंगे। और पुनः विचार इसलिए करेंगे क्योंकि ऑर्गेनाइज सेक्टर के एंटिटीज़ को देखा जाता है। देखिए, अगर ये वास्तव में एक्सरसाइज ये है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, सकारात्मक एक्सरसाइज है अगर उस पर कोई गलतियां हैं। लेकिन मैं आज एक भविष्यवाणी दे रहा हूं, आपको पूर्वानुमान दे रहा हूं, आपको चेतावनी दे रहा हूं कि हमें भय है, देश को भय है, क्योंकि हम आपके पुराने हथकंडे जानते हैं कि ये तौर तरीका है, जितने पुराने बेसिस हैं, जितने पुराने आंकड़े हैं उनको पुनः वापस रिवाइज करना। आपको मालूम है इसी सरकार के CAA श्री सुब्रमण्यम ने क्या कहा कि जो आज आप पढ़ रहे हैं आंकड़े वो 2.5% जो प्रकाशित आंकड़े उनसे कम हैं। अब ये होते होते 6 से 5.5 पहुंच गया, 5 से 5.5 से 5 पहुंच गया, आज 4.9 औपचारिक ऑफिशियल फिगर है, 4.9। बीजेपी के किसी व्यक्ति से आप सेंट्रल हॉल में बात करिए, कहते हैं कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा ये 4 या 4.5 से ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप 4.9 मान लीजिए। अगर अरविंद सुब्रमण्यम के कैलकुलेशन और आंकड़े सही हैं और ये 2 या 2.5% कम है तो आप समझ सकते हैं क्या आंकड़ा है। आज आपने देखिए, याद रखिए, सरकार ने एक तो जो बेस है GDP का बदल दिया ऑलरेडी, दूसरा जो पहले आंकड़े छपे थे उनको कम दिखा दिया, 2 चीजें तो हो गई। अब आज तीसरी बात हो रही है कि भाई ये आंकड़ा जो छपा है 10 रुपये का, इसमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं है, ये वास्तव में 50 रुपये है। ये मुझे लगता है इस रिपोर्ट को पढ़ के, मैं चाहूंगा कि मैं गलत हूं, मैं चाहूंगा ये स्पष्टीकरण आए सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री से, माननीय वित्त मंत्री, गृह मंत्री से, कि इंटर जनरेशनल कंपैरिजन, ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, जो इंटर जनरेशनल तुलनात्मक अप्रोच होता है। देखिए, आज अगर मैं सेब ले रहा हूं तो कल भी मुझे सेब की कीमत तुलनात्मक रूप से देखनी पड़ेगी। ये नहीं कि आज मैं सेब की कीमत देखूं और कल नारंगी की। इसलिए आप अगर इसका बेस बदलते हैं तो आप अलग अलग वर्षों में, अलग अलग सरकारों में, अलग अलग रेजिम्स में तुलनात्मक रूप से विश्लेषण नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारा भय है, इसलिए हमारा भय है क्योंकि सरकार ने पहले भी ये कर चुके हैं। तो मित्रों, मैं ये कह के अपनी बात खत्म करूंगा कि दिस गवर्नमेंट इज डेस्परेट टू फाइंड क्विक फिक्स सॉल्यूशंस, जुमला सॉल्यूशंस, मिसलीडिंग सॉल्यूशंस, टू फाइंड slate of hand solutions, to avoid substance, to camouflage with form, to avoid the real meat of the matter and give a misleading new issue to digress and divert attention. We are most concerned that this should not happen in the future because of reports today and recently in the past that the government has suddenly expressed alarm, and this is not me, the government has said so, that they believe that a lot of the figures, including what they call it, quote unquote, I am quoting the government, revamp of official statistics, this is quote unquote the government's words, is being done or being proposed or being thought of because they believe that unorganized sector has not been looked at. We have no problem if it's a constructive exercise, but surely from when India was born from 1940-50 till today, from 1947 till today, we have had the unorganized sector, we have had statistics. Please don't do something where you cannot do intergenerational comparisons. Please don't do something where you artificially boost your 4.9% official rate of growth, which your own CAA believes may be 2 to 2.5% less than what is projected and stated. Even every BJP member in private in Central Hall of Parliament confesses that the rate is at least 1% or 0.6 or 7% less than the official figure of 4.9. And why is this important? It is important because the government does not have a clue how to control this wild horse of a runaway economic distress. There is no rider, there is no dexterity, there is no skill. The government today, another body, has published the most distressing figure, which are all aspects of the same triangle. That distressing figure is published by the NCRB, which publishes many statistics, in particular unemployment statistics. The unemployment statistic it has published is extremely worrying and frightening, because it says that 36 people commit suicide every day on issues related to unemployment or lack of employment or underemployment. In 2018, deaths by way of suicide, I'm not talking of deaths, I'm talking of suicides. In a depressed, manic, self-willed manner, you take your life because you have no employment. Deaths in 2018 alone is 26,085 deaths on this count. That figure is 10,349 more than the deaths caused by farm distress, which is an altogether different, also very sad, but a different category. 10,349 more deaths by suicide by people concerned and troubled by unemployment than by farmer distress. What is the reality behind this? The reality is jumlas like Make in India, along with the clueless finance minister, prime minister, home minister, government of India, no idea what to do. An enemy a day, an issue a day, a pot boiler a day keeps all these issues away and will solve the economy is the approach of this government. Take for example the jumla Make in India, that's the other part of this triangle. The truth is what? One of the showpieces of Make in India was the solar sector. So many subsidies, so many jumla, so many speeches. We will make India one. As you know, there is a special international organization which India has joined with much fanfare. One of the ministers travelled for that inauguration on solar promotion. You know the reality? It has now been published, in fact today, that 85% of the inputs, the resources, the material into a solar PV, that is photovoltaic cell and module, which is the heart of a solar plant, 85% of that comes from China, Malaysia and Vietnam. What is this government, what is the Prime Minister talking of Make in India? Is it not a fraud on the people to mislead them like this? This photovoltaic cell and module, which is the heart of the solar, 85% is the import bill and it benefits these three countries, not India. The actual figure is 90,000 crores. You know what 90,000 crores is? 90,000 crores is more than the renewable energy ministry bill, 6 times more than the bill for 2014 to 2019. I'm sorry, not the bill, the scheduled budget amount for this period. The scheduled budget amount for 14 to 19 of the renewable energy bill of the renewable energy ministry is 6 times less than this 90,000 crores. Who is producing in India? Who is doing Make in India? What is Make in India? Nothing but jumlebazi. Friends, I end that the general state of the economy is known. Within the economy, the particular state of all relevant parameters, including parameters of unemployment, are known. My colleagues have taken briefings. Former finance minister has taken, Mr. Amran from here. I'll just repeat a few figures. The industrial production index has declined from 2016 to 2019 from an already small 4.6 in 2016, which is pitiable, to 2.4%. 2.4 is the index number in 1920. Credit growth to MSMEs, which is the heart and soul of economic kick, economic growth, is 0.9, minus 0.4, 2.3 and 2.7 in the last 4 years. All decimal figures. Manufacturing is the worst, which is why you have 80% import. which is why you have no credit to MSMEs. So they're all linked. Minus 1.2 in 16-17, 1.7 in 17-18, minus 1.4 in 18-19, and minus 0.7 in the current year. Why will you not have 36 deaths per day related to unemployment? This is the state of the economy. Who will give employment? If there is no credit offtake, there is no manufacturing. And unemployment, as I said, has improved somewhat, but from 9.65, it has become 7.03, which is a very high figure. I'll conclude, friends, by saying that we need more action, more results, less words. We need more concrete, beneficial changes than digressions, diversions. We need less of issues which are non-productive, irrelevant issues like NRC, like CAA, like NPR in a modified form. We need lesser issues of pure political rhetoric. We'd request the Prime Minister with folded hands to attend to these issues, which are of life and death. 26,000 deaths related, and this is underreporting, mind you, highly underreported, related only to unemployment, official NCRB figures. Thank you. We'll have questions on the suo motu first, then you can take a look. चलिए साहब So we are agreed nothing on the suo motu, right? Okay. Now, since he asked the first one, let him do that. Huh? I think you are forgetting some basic facts. One of our longest, oldest allies, A, is the DMK. B, there has been a continuity and a consistency right from UPA 1, UPA 2, non-UPA and current state of affairs. I am making it short and pointed, but 3, we have converged on several, I could say, not say several, I'd say almost every national issue. Right through my term as Rajya Sabha MP and now in my 14th year, I find that the biggest convergence is between these two parties. You know that on local, minor, totally local issues, there could be differences. That is the meaning of democracy. Without that, you would talk of people running in some kind of an automated mode. But you cannot doubt the strength of our commitment to each other. We are thick together as friends. And in the light of that, I think it's a very positive thing which has happened. That if there are some minor differences here and there, which the press has played up, they have gone and talked. You are creating a division where none exists. And I think it is something to be applauded. This is the way things should be sorted out. There are nothing which is even remotely called intractable. And I would say on platform publicly here that one of our most valuable, oldest committed allies, the DMK, and we know also that but for the illegal, artificial propping up of the current regime, there would be no government in that state except a DMK-led government. Let me make it clear. We know that the days of that existing government are numbered. We know who's propping up whom. So I think these are attempts to create schisms where virtually none exist. Aye. मैं इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोल देता हूँ. मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बोल रहा हूँ सब लोग. या दैट्स द सेम क्वेश्चन. मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बोल दूँगा. दोनों में आप दोनों फिर इसको एक साथ ले लीजिए। देखिए, पहली बात कि मैं कुछ जवाब दूं उससे पहले श्री कपिल सिब्बल ने ट्वीट कर दिया है और आपको वो ट्वीट पढ़ना चाहिए, मेरे को उससे ज़्यादा कहने की आवश्यकता शायद नहीं है। उनके ट्वीट का एक हिस्सा पढ़ देता हूं मैं। 1, आई बिलीव द CAA इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। मेरे शब्द नहीं, उनके शब्द हैं और अभी ट्वीट किया उन्होंने कुछ समय पहले। दूसरा, every state assembly has the constitutional right to pass a resolution and seek its withdrawal. मैं हिस्से पढ़ रहा हूँ सिर्फ। The fight must go on, इत्यादि इत्यादि। नंबर 2, हमारा कांग्रेस का इस पोडियम से और एक पार्टी के हिसाब से स्टैंड बड़ा क्लियर है। हम किसी रूप से किसी को नागरिकता देने के विरुद्ध थोड़ी हैं। हम तो चाहते हैं हिंदुओं को नागरिकता मिले, हम उसका समर्थन करते हैं। लेकिन जब मैं आपको नागरिकता देता हूं तो मैं साथ साथ ये नहीं कह सकता इसको नागरिकता नहीं दूंगा। ये हमारा विरोध है। इस आंशिक संकीर्ण नजरिए से हम विरोध कर रहे हैं। नंबर 3, आज तक सरकार ने आपको नहीं बताया कि वो क्यों श्रीलंका के हिंदुओं को नहीं दे रही है कुछ भी। आज तक सरकार ने नहीं बताया आपको कि वो नेपाल में अगर कोई ऐसी कैटेगरी है हिंदुओं की, उसके बारे में क्यों अवहेलना कर रही है। आज तक नहीं बताया, चाहे बर्मा हो चाहे और हिस्से हो। तो ये मूल मुद्दे हैं। और ये भी नहीं बताया कि यद्यपि माननीय प्रधानमंत्री ने अपने गृहमंत्री का खंडन किया है और गृहमंत्री ने परोक्ष रूप से उसका खंडन वापस नहीं कर पाए हैं, तो भी NRC और CAA हम सबको मालूम है, हमको मालूम है, आपको मालूम है और जनता को मालूम है कि हमको मालूम है कि NRC और CAA एक साथ जुड़े हुए हैं, जिसको कहा जाता है लाइक अ स्क्रैम्बल्ड एग। स्क्रैम्बल्ड एग को आप आसानी से अनस्क्रैम्बल नहीं कर सकते। तो ये हैं मूल मुद्दे। अब जहां तक आपका स्पष्ट सवाल का मुद्दा है, मैं समझता हूं कि एक चीज भूली जा रही है। स्पष्टीकरण तो आ गया बहुत हद तक, लेकिन एक चीज आप लोग सब भूल रहे हैं। अगर मैं प्रदेश हूं, ये प्रदेश हैं, ये प्रदेश हैं, इन्होंने एक याचिका डाल दी है उच्चतम न्यायालय में या डाल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उस कानून जिसके विरुद्ध वो याचिका डाल रहे हैं उसके संवैधानिक सही होने या गलत होने के सिद्धांत को उन्होंने चुनौती दी है। तो जब तक वो सिद्धांत को चुनौती दे रहा है कोई प्रदेश, तब तक क्या उसका हक नहीं है कि मैं उस चुनौती दे रहा हूं उस सिद्धांत को, तब तक मैं उसको कार्यान्वित नहीं करूंगा। मैं प्रदेश हूं A, मैंने प्रदेश की हैसियत से चुनौती दी है, उच्चतम न्यायालय में दी है चुनौती। वो चुनौती देने का मेरा अधिकार क्षेत्र है, हर नागरिक का, आपका और मेरा, संविधान के अनुसार उच्चतम न्यायालय में किसी को चुनौती देने का अधिकार क्षेत्र है। और अगर एक हाथ से मैं चुनौती देता हूं तो क्या दूसरे हाथ से मैं कार्यान्वित करूंगा? मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, माननीय उच्चतम न्यायालय, मेरी चुनौती का निर्णय करिए। और जब तक आप निर्णय नहीं करते हैं तब तक मैं नहीं करना कार्यान्वयन। इसमें क्या गलत बात है? इसका मतलब ये नहीं है कि हम असहयोग कर रहे हैं या वो प्रदेश जो करना चाह रहे हैं वो असहयोग कर रहे हैं। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि हम इसको इसके साथ सहमत नहीं हैं, हमने चुनौती दी है और हम आशा और विश्वास करते हैं कि निकट भविष्य में ये चुनौती हल हो जाएगी, इधर या उधर, और फिर जो निर्णय होगा उसका देखा जाएगा पालन की बात। आज की बात सिर्फ यह है कि जब तक चुनौती लंबित है तब तक हम इसको कार्यान्वित नहीं करना चाहते। सो आई थिंक इट्स वेरी सिंपल। आई डोंट थिंक देयर इज एनी स्कोप फॉर मिसअंडरस्टैंडिंग। आई थिंक देयर आर अटेम्प्ट्स डिलिबरेटली टू क्रिएट सम केओस एंड कंफ्यूजन एंड द गवर्नमेंट वुड बी वेरी हैप्पी टू गेट ऑफ द हुक बाय ऑल काइंड्स ऑफ मिसइंटरप्रिटेशंस। लेट मी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्लैरिफाई दैट आई डोंट नीड टू रिप्लाई बिकॉज मिस्टर सिब्बल हैज हिमसेल्फ ट्वीटेड 2 or 3 parts of his tweet I will quote for you. I believe the CAA is unconstitutional, quote unquote. Every state assembly has the constitutional right to pass a resolution and seek its withdrawal, quote unquote. The fight must go on, quote unquote. Beyond that, let me make it clear that the Congress party as a party has always wanted, been very welcoming of, supported the grant of citizenships, certainly grant of citizenship to Hindus, certainly grant of citizenship to other communities. What we are opposed to is that when I grant citizenship to A, why should I deny citizenship to B? That is my question as a political party. That is the question civil society is spontaneously asking across the country. The government, of course, is not answering that question, except by fudging, by misleading. Has the government told you why it has neglected and ignored the Hindus of Sri Lanka? Thousands of them. Has it told you why it has ignored those who might be persecuted or otherwise dissatisfied in Nepal? Has it told you similar categories in Myanmar? No. It only wants to beat a political horse, to create division in society for cheap political gains. Let me also make it clear that as far as the statement about which you asked the question is concerned, one very important facet is being ignored by everyone, including the press. All that some states have done or are immediately proposing to do, I'm not saying they've done it, but they're about to do it, some of them, some have done it already, have filed comprehensive substantive petitions in the Supreme Court. Those petitions challenge at the state level under a constitutional article. This is, see, you also have a right as a person to challenge. I have challenged, I am a Peribu Jairam Ramesh challenge as a lawyer. He also has a right to challenge. But this is a special challenge. This is a challenge under a right given under Article 131 of the Constitution of India to a state government. The Constitution gives a special provision right, not to you and me, additionally to a state government to challenge. So state X has challenged saying this act is unconstitutional. Do they not have a fundamental right to do it in the Supreme Court? And then, if a state chooses to exercise its well-ordained, well-established constitutional right, till such time as that state gets its decision one way or the other from the apex court of the country, is it wrong in suggesting that we will await that decision and we will not implement and act upon something which we are challenging? That's all that has happened. And this is an aspect which I would request each one of you, including the persons you have named, including the persons who have spoken here and there, to keep in mind. All that the states have done is to say that we are under challenge, and till such time there is implementation, till such time as there is, till such time as there is proper decision, one way or the other, in our favor or against us, we should not be implementing that which we are heavily challenging. That's about all that has happened. I don't think there is any non-cooperation movement, and there is no such kind of a rebellion as some people are calling out, as the state, as the government of India would like us to believe. अब मैंने बहुत व्यापक रूप से आपको शब्द दे दिए हैं। अगर मैं वापस जवाब दूंगा आपका, तो मेरे वो सब शब्द को डिस्टॉर्ट होंगे, उनको आप भूल के उस अब जो बोलूँगा उसको कोट करेंगे आप। मैंने आपको बड़ा स्पष्ट कह दिया है जो मैं अंग्रेजी में चाहता हूँ और हिंदी में चाहता हूँ। उसका एक शब्द ज़्यादा नहीं है, एक शब्द कम नहीं है। द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देखते हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद। इन्फॉर्मेशन बिफोर आई आंसर, बट आई थिंक आई एम राइट एंड आई एम सब्जेक्ट टू करेक्शन एंड यू कैन चेक अप। द फाइनेंस मिनिस्टर शुड बी द वन आंसरिंग योर क्वेश्चन, नॉट मी। दैट्स माय शॉर्ट आंसर टू यू। Have you taken care to go and ask the finance minister? Does the finance minister know that Taslima Nasreen has a Swedish passport? Does the finance minister of India further know that India does not grant or allow dual citizenship? Consequently, does the finance minister of India know that if you can't have dual citizenship, I can't hold a Swedish and a non-Swedish Indian passport? Well, if she knows all this, or is able to controvert me on facts, I am very happy to be corrected, because I am responding spontaneously in less than half an hour, 1 hour's notice. But I think I am right. I think the Honourable Finance Minister is wrong, and I think your question needs to be corrected by her. देखिए, मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहूँगा आपको कि आपका प्रश्न, और मैं बहुत विनम्रता से आमुख होऊँगा माननीय वित्त मंत्री से भी, उनको आपके प्रश्न का उत्तर देना चाहिए और आपको उनसे वो प्रश्न पूछना चाहिए, न कि मुझसे। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ, और मैं शायद गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मेरा मानना है कि मैं सही हूँ और माननीय वित्त मंत्री गलत हैं। अगर मैं गलत हूँ तो वित्त मंत्री निश्चित रूप से मुझे करेक्ट करेंगी, जल्द करेंगी, और मैं उसको मान लूँगा। मैंने बहुत अल्प समय में मेरा जो समझ है, और जैसा मैंने कहा मेरी समझ गलत हो सकती है, वो ये है कि तस्लीमा नसरीन की स्वीडिश नागरिकता थी और है। क्या वित्त मंत्री ये जानती हैं? क्या उन्होंने सोच समझ के जानकर ये अपना वक्तव्य दिया है? दूसरा, क्या वो जानती हैं कि भारत दो नागरिकताएं की अनुमति कानून में नहीं देता है? ड्यूअल सिटीजनशिप इज नॉट अलाउड अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तीसरा, इसका स्वाभाविक निष्कर्ष है कि अगर कोई स्वीडन का नागरिक है तो वो भारत का नागरिक एक वक्त में नहीं हो सकता, जब तक कि वो उस नागरिकता को तिरस्कार नहीं कर दे। अगर ये तीन बातें सही हैं तो या तो मैं सही हूं, या तो तस्लीमा नसरीन गलत है, या तो वित्त मंत्री गलत है। आप निर्णय कर लें, मैं मानता हूं कि वित्त मंत्री गलत है। तो फैक्ट तो वही, उसी फैक्ट पे तो बात हुई थी, टिप्पणी तो फैक्ट पे हुई थी। टिप्पणी मैं उत्तर तथ्यों पे देता हूं, और मैं आशा और विश्वास करता हूं कि देश की वित्त मंत्री भी तथ्यों पे ही उत्तर दें। अगर मैं नहीं जानता किसी का तथ्य तो मैं नहीं कह सकता मुझे पता नहीं अदनान सानी के क्या तथ्य हैं। जहां तक आप आम सिद्धांत की बात करते हो, बड़ा स्पष्ट है सिद्धांत अदनान सामी और तस्लीमा नसरीन का नहीं है। सिद्धांत बड़ा सरल है कि आप कैसे कह सकते हैं कि देश के, मैंने आपको ये उत्तर दे दिया है कई बार, लेकिन आप पूछ रहे हैं इसलिए मैं 2 मिनट और लूँगा। आप ये कर रहे हैं कि ये कमरा 100 लोगों का है जो सब शरणार्थी हैं, ये हम सब शरणार्थी मानिए, एक मिनट मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ उत्तर के लिए। 100 लोगों के कैंप के शरणार्थी कैंप पे बैठे हैं, उसमें आप ये नए कानून के आधार पर पहली चीज़ जो करते हैं कि 100 को 60 कर देते हैं, 100 को 40 कर देते हैं, क्योंकि 60 लोग इस कमरे में न अफगानिस्तान से हैं, न पाकिस्तान से हैं और न बांग्लादेश से, सिर्फ 40 लोग हैं। तो 100 का फिगर 40 तो हो गया, फिर ये 40 का फिगर 25 हो जाता है, क्योंकि 15 लोग उस 40 में से मुसलमान है या जू हैं, हिंदू नहीं है, बौद्ध नहीं है, ईसाई नहीं है, इत्यादि। तो आपने 100 के कमरे को 25 तो कर दिया। अब 25 वाले कमरे में जो शरणार्थी कैंप है, ये सब पूरा हमारा कैंप, हम लोग सब शरणार्थी बैठे हैं उस कमरे में, उस 25 वाले सूची से आप एक फास्ट ट्रैक नागरिकता का लागू करते हैं, जिसमें परसिक्यूशन का कोई टेस्ट नहीं है। आपको मालूम है परसिक्यूशन जिसकी इतनी बात करते हैं माननीय गृह मंत्री, हमेशा उसी की बात करते हैं, एक्ट में कोई शब्द नहीं है, स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स में है शब्द। और आप क्या समझते हैं कि परसिक्यूशन का कोई वेरिफिकेशन होगा? अगर ये 25 लोग जो उन 3 देश से हैं और उन 6 धर्मों से हैं लिख के दे दें कि मैं परसिक्यूटेड हूं, तो वो मान लिया जाएगा। प्रैक्टिकल बात यह है। अब आप इसको समझते हैं कि अनुच्छेद 14 के ये मेल खाता है, तो ये आपका मत है। इसमें कहा अदनान सानी आते हैं, कहा तस्लीमा नसरीन आती है, सिद्धांत की बात हो रही है। अच्छा, अब मैं और उस पर नहीं टिप्पणी करना चाहता हूँ, लेकिन मैं आपसे एक सरल प्रश्न पूछना चाहता हूँ। अगर किसी प्रदेश की सरकार उच्चतम न्यायालय में याचिका फाइल करती है, तो गलत वो है या माननीय राज्यपाल हैं जो सरकार से ये प्रश्न पूछते हैं? संविधान तो आप भी जानते हैं थोड़ा बहुत, आपको वकील होने की आवश्यकता नहीं है। आज माननीय प्रधानमंत्री के आदेश में अगर केंद्र सरकार एक याचिका फाइल करती है उच्चतम न्यायालय में, तो क्या माननीय राष्ट्रपति केंद्र सरकार या प्रधानमंत्री से पूछ सकते हैं आपने याचिका क्यों दर्ज की? इससे, और मैं हमेशा सीमित शब्दों का प्रयोग करना चाहता हूं, एक उच्च पदाधिकारी जो एक राज्यपाल है, इससे संवैधानिक अज्ञान प्रदेश सरकार का जाहिर होता है या माननीय राज्यपाल का? मैं उस किसी और की टिप्पणी में टिप्पणी नहीं करने वाला हूँ। थैंक यू। मेरे को किसी और की टिप्पणी में टिप्पणी करने की क्या आवश्यकता है इसमें? उनसे पूछिए क्या मतलब है, क्या अभिप्राय है। हमको सिर्फ इससे मतलब है कि दूसरों को खत्म ना करो। हम तो सिर्फ इतना ही आशा और विश्वास करते हैं कि इस देश की अस्मिता ये है कि दूसरों को खत्म नहीं करो। द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।